أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن پاک دی دوسری سورت دا نام سورہ بقرہ تے قرآن پاک دی دوسری سورت دے وچ پہلا لفظ الف لام میم اے قرآن پاک دے وچ 6 دفعہ استعمال ہویا ذالکا اے قرآن پاک دے وچ 234 دفعہ استعمال ہویا जालिका का मतलब ये उर्दू विच ये ते पंजाबी विच ए किताब किताब नू कहिंदे ने ला किताब 242 दफ़ा इस्तेमाल होया कुरान पाक दे विच ठीक है इहदा मतलब लिखिया होया कुरान करीम फर्ज अमालनामा आसमानी सहीफा ये सारे किताब दे ही मतलब ने उस तो बाद ला ला दा मतलब नहीं ये कुरान पाक दे विच 3720 दफा इस्तेमाल होया रईबा रईबा मतलब शक तरद्दद शुबा गुमान ये कुरान पाक दे विच 17 दफा इस्तेमाल होया फी है फी ही इहदा मतलब है इसमें इदे विच यानी इस किताब दे विच ये कुरान पाक दे विच 131 दफ़ा इस्तेमाल होया रही बात 17 दफ़ा ते फी ही 131 दफ़ा इस्तेमाल होया हुदन हदायत रहनुमाई ये 79 दफ़ा इस्तेमाल होया लिल मुत्तकीन परहेजगारां वास्ते इहदा मतलब है परहेजगार मुत्तकीन परहेजगार परहेजगारां वास्ते हदायत ये मुत्तकीन जिहड़ा लफज है ये कुरान पाक दे विच 43 दफ़ा इस्तेमाल होया अल्लाह जीना ये पिछे पढ़ चुके हैं आपां यू मिनून एक ईमान लाते हैं जेड़े मुसलमान ने ईमान लाए ने जेड़े जेड़े लोग ईमान ले आए युमिनून वो लोग जेड़े ईमान ले आए ये 87 दफ़ा इस्तेमाल होया कुरान बिल गैब गैब ते गैब हाँ उर्दू च पंजाबी च इस्तेमाल होंदा लफ्ज इहदा मतलब है छुपी हुई चीज़ गैर हाजिर चीज़ ये 48 दफ़ा इस्तेमाल होया वायुकीमू वायुकीमूना वाह मतलब और युकीमूना और कायम करते हैं नमाज कायम करते हैं युकीमूना ये कुरान पाक दे विच 6 दफ़ा इस्तेमाल होया ये यानी ये उन बंदियां दी गल हो रही जेड़े कायम करते हैं और सलात नमाज वा मिम्मा मिम्मा दा मतलब उस चीज़ दे विचों जो उस चीज़ दे विचों रज़क ना हम हमने उनको रिज़क दिया रज़क ना हम अल्लाह ताला फरमांदे ने मैं उन्होंने रिज़क दिता असी उन्होंने रिज़क दिता ना मतलब असी हम उन्होंने रज़क रिज़क युनफिकून तो वह खर्च करते हैं मिम्मा 107 दफ़ा इस्तेमाल होया असलात 67 दफ़ा इस्तेमाल होया मिम्मा 107 दफ़ा रज़क ना हम ये 13 दफ़ा इस्तेमाल होया युनफिकून ये 20 वरी इस्तेमाल होया कुरान पाक दे विच अगे वल्लज़ीना युमिनूना ये पहले पढ़ चुके हैं बीमा हैगा उस चीज़ दे विचों जेड़ी ये 202 दफ़ा इस्तेमाल होया
उस चीज़ के उत्ते जेड़ी ए दो दफ़ा 202 दफ़ा इस्तेमाल होया उनजिला नाजल किया गया इलाइका तोड़े ते उनजिला 49 दफ़ा इस्तेमाल आया इलाइका 67 दफ़ा इस्तेमाल होया वाह मतलब और ये आगे भी इस्तेमाल कर चुके हैं माँ माँ का मतलब नहीं क्या जो कुछ जिसको ये कसरत नाल इस्तेमाल होया काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल होया उन जिला पहले पढ़िया मिन से ये कुरान पाक दे विच 538 दफ़ा इस्तेमाल होया कबलिका तुहाडे तो पहले यानी जेड़ा तुहाडे तो पहले किताबां नाजल कीतियां गईयां उन्हां ते ईमान रखते ने जेड़े उन्हां दी गल हो रही है ये कबलिका जेड़ा लफज है ना ये 32 दफ़ा इस्तेमाल होया मिन 538 दफ़ा इस्तेमाल होया वाबिल आखिराती ते आखरत ते ईमान रखते ने आखरत का लफज जेड़ा ना इहदा मतलब है आखरत इस दुनिया तो बाद अगला घर अगला जहान ये कुरान दे विच 115 दफ़ा इस्तेमाल होया हम इहदा मतलब वो सारे ये 427 दफ़ा इस्तेमाल होया इसम ज़मीर इन कहोंगे आपां ते 427 दफ़ा यू के नून यकीन रखते हैं वो यकीन रखते हैं ये कुरान पाक दे विच 204 दफ़ा इस्तेमाल होया इस तरह अपनी कुरान पाक दियाँ सूरा बकरा दियाँ पहलियाँ चार आयतां मुकम्मल हो गईयां ते